हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब आपकी अर्निंग क्यों काटता है। दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब धीरे धीरे हमारा डॉलर जुड़ते चले जाते हैं और महीने की शुरुआत में वो आपकी अर्निंग काट देता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए और जिससे कि आपकी अर्निंग ना कटे, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था और मैंने ये सब कर लिया तो इसके बाद मेरी अर्निंग कटना बंद हो गया। तो आज के वीडियो में मैं बस यही तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर आपको गुमराह कर रहे हैं, बताते नहीं है कि आपकी अर्निंग किस वजह से कट रही है। कुछ लोग बताते हैं कि यूट्यूब अर्निंग इसलिए कटती है कि यूट्यूब को वो पैसे नहीं देते हैं, जिस एड वाले से बात हुई है तो वो एड वाले उनको पैसा नहीं देते हैं, इस वजह से वो आपकी अर्निंग काट देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार शुरू शुरू में ऐसे ही कटती है, यानी उनको पूरा जानकारी नहीं है, वो आपको सीधा गुमराह करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो अर्निंग कटती है, कई लोगों की एक बार कटती है, कई लोगों की दो बार, तीन बार, चार बार या पांच बार या कटती रहती है, उसका क्या रीज़न है, आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों के मोनेटाइजेशन एक महीने में हो जाता है, यानी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम वो एक महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो 3 महीने में या 4 महीने, 6 महीने या साल भर में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका मोनेटाइजेशन लगभग 1.5 साल या 2 साल में होता है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए हमारा साल भर में मोनेटाइजेशन हुआ, यानी साल भर में हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ, तो साल भर का जो एक पीरियड होता है, लंबा पीरियड, उसमें हम क्या करते हैं, जब सब्सक्राइबर नहीं आ रहे होते हैं, व्यूज नहीं आ रहे होते हैं, तो कई बार निराश होते हैं कि यार हमारा व्यूज नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं आता है। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, हम काम करना बंद कर देते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, या तो 1 महीने के लिए हमने वीडियो डालना बंद कर दिया, या 2 महीने के लिए वीडियो डालना बंद कर दिया, कभी कभी कुछ लोग तो 6-6 महीने तक कोई वीडियो नहीं डालते हैं। तो ऐसे में दोस्तों YouTube क्या करता है, आप जब रेगुलर काम करोगे YouTube पर तो ही वो आपको अर्निंग रेगुलरली देगा, ये पक्की बात समझ लीजिए फ्रेंड। क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप नियमित रूप से काम करते रहोगे तो आपका एक भी डॉलर कभी भी किसी भी महीने में नहीं कटेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप एक महीने में एक वीडियो डालते हैं तो बिल्कुल 1 महीने में आपका एक वीडियो डलना चाहिए। अगर आप रेगुलर एक दिन छोड़ कर वीडियो डालते हैं तो आपका वो क्रम बना रहना चाहिए। अगर आप 1 हफ्ते में वीडियो डालते हैं तो बिल्कुल 1 हफ्ते में ही डालते रहें, तो आपका YouTube अर्निंग कभी भी नहीं कटेगा, एडसेंस आपका पैसा नहीं कटेगा एडसेंस से। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप जो भी मान लीजिए डेली अपलोड करते हैं तो डेली अपलोड करते रहें, बीच में गैप ना लगाएं 1 महीने का, 15 दिन का या जो भी, क्योंकि हम जो गैप लगाते हैं उसी गैप का पैसा YouTube हमसे काटता है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा काम बंद करोगे उतना ही आपकी अर्निंग कटेगी, एक बार कटेगी या दो बार कटेगी, आप जितना महीने में काम करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा, क्योंकि ये भी एक बिजनेस है, वहाँ पर आप जितना काम करते रहोगे तो आपको उतना ही पैसा मिलता रहेगा। इसलिए आज मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा सीक्रेट, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मुझे किसी ने नहीं बताया और बहुत बार मेरी अर्निंग कटती रही, लेकिन जब मैंने ये चीज़ करी तो इसके बाद मेरा एक भी पैसा यूट्यूब से नहीं कटा है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैंने आपको बताई ये बहुत ही यूजफुल और सिंपल सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड, हमने एक नया चैनल बनाया है, ब्लॉग चैनल, उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उतना ही प्यार हमें दें। और इस चैनल पर आपने जो प्यार दिया है उस चैनल पर भी आप इतना ही प्यार जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।